चांगला आहे, व्यवस्थित हाँ? आहे, काही तकलीफ नाही, काही लुटारूचं काम नाही. अच्छा, व्यवस्थित चांगलं आहे. आपलं आपण ध्यान देऊन घ्यायचं राहतंय. आपल्याला जेवढा पाहिजे तेवढा देते, तरी नाही तर नका म्हणून सांगायचं. अच्छा, तो किती रुपये से लेके किती रुपये तक बॅच लिया आपने? 59,000 पासून हा 135,000 पासून घेतल्या पसू लिया आपने. तो लगभग कितने दूर से लेके कितने तक? 12 पासून 18 पासून 12 लीटर से 15, 16, 18 तक. हाँ. जैसी भैंस वैसा रेट. हाँ, रेट. सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार. आज एक बार फिर से नांदेड़ से भाई साहब पहुंचे हैं, वेंकट पाटिल, जिन्होंने 30 भैंसे लिए जी राज डेयरी फार्म से. बाहर भी आप देख पा रहे हैं और अंदर भी भैंसे बंधी हुई है. तो भाई साहब से पूछेंगे प्रॉपर जगह कौन सी है. सामने आओ भाई साहब. तो वेंकट पाटिल है ये, नांदेड़ के पास पड़ता है, इनका पूछेंगे प्रॉपर. नमस्कार भाई साहब. नमस्कार. नमस्कार. नाम क्या भाई साहब अपना? वेंकट पाटिल. वेंकट पाटिल. गांव का क्या नाम है? बामनी. बामनी. तो तालुका कौन सा पड़ेगा अपना? मुखेड़. मुखेड़. नांदेड़ से? नांदेड़. नांदेड़ से कितना पड़ेगा? 110 किलोमीटर. 110 किलोमीटर. कितना भैंस लिया भाई साहब राज डेयरी फार्म से आपने? 30 भैंस लिया. 30 भैंस. कितना दिन हो गया इधर आके? आपको इधर आके छठवा दिन है यार. छठा दिन हो गया आज. हाँ. तो आज दो गाड़ी लोड कर रहे हैं. दो गाड़ी आज लोड कर रहे हैं, ये गाड़ी कल करेंगे. एक दो भैंस कम आई ना. हाँ हाँ. 28 हुआ अभी आपका? 28 हुआ. अच्छा, तो रहने खाने पीने में कोई दिक्कत आई भाई साहब? दिक्कत नहीं, एकदम. पहले 3 बार आए वाले हैं ना. अच्छा, चौथी बार आई. पहले कितना भैंस लेके गए आप? एक बार 40 लेके गए. हाँ हाँ. एक बार में 32. हाँ हाँ. एक बार में 22. अच्छा अच्छा. तो पहली भैंस कैसी निकली भाई साहब? वो अच्छी निकली, तो इसलिए तो आ रहे हैं ना डबल डबल. अच्छा अच्छा. जो महाराष्ट्र के भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको जैसे मराठी भाषा में क्या कहना चाहोगे इधर के बारे में? थोड़ा चांगला है, व्यवस्थित. हाँ? आहे, काही तकलीफ नाही, काही लुटारूचं काम नाही. अच्छा, व्यवस्थित चांगला आहे. आपलं आपण ध्यान देऊन घ्यायचं राहतंय. आपल्याला जेवढा पाहिजे तेवढा देते, तरी नाही तर नका म्हणून सांगायचं. अच्छा, तो किती रुपये से लेके किती रुपये तक भैंस लिया आपने? 59,000 पासून हाँ 135,000 पासून घेतल्या पसू लिया आपने. हाँ. तो लगभग कितने दूर से लेके कितने तक? 12 पासून 18 पासून 12 लीटर से 15, 16, 18 तक. हाँ. जैसी भैंस वैसा रेट. हाँ, रेट के तो रेट के हिसाब से हर तरह की भैंस ली, दूसरे तीसरे ब्यांत की अपने. बढ़िया पशु लिए सभी सभी. तो और कुछ कहना चाहोगे राज डेयरी फार्म के? राज डेयरी का कुछ टेंशन नहीं, हम चौथी बार आ गए हैं. अच्छा, बोलने की जरूरत नहीं है. किसी भैंस पे जोर जबरदस्ती करी हो भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, एक भी रुपए आपने को मांगने का ही नहीं तो छोड़ देने वाले, उसमें क्या. बहुत अच्छा. दिखाते भाई साहब. लगभग कितनी भैंस देखी हुई घूम फिर के आपने? कम से कम 150 भैंस लिया. 150 भैंस देखे हम घूम. अच्छा, ज्यादा ही, रोज 50-60. अच्छा, रोज 50-60 भैंस देखी आपने. तो जैसे दूध क्या भाव बिकता है अपना भाई साहब? हमारा उधर 60 रुपए. प्रॉफिट में निकल जाता है? अरे निकलता है बोल के तो आ रहा है ना डबल डबल. अच्छा अच्छा. आपका नाम और क्या है बाबा जी? नरसिंह. नरसिंह. तो अच्छा, आप पहली बार आए उनके साथ में? पहली बार. अच्छा, तो अच्छा लगा, कैसा लगा आपको इधर आके? अच्छा लगा. तो मराठी बोला. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको जैसा. और आम्हाला चांगलं वाटलं ह्याच्या म्हशी दूध देऊ लागले म्हणून आम्ही इकडे आलो. अच्छा, तो इथे उमर किती होगी आपकी? एज कितना है? हाँ, 71. देखिए जी, 71 साल की जो उम्र है और हरियाणा में आए हैं स्पेशल भैंस खरीदने के लिए. तो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप राज डेयरी फार्म पे पहुंचे. ये देखिए जी, बहुत जबरदस्त जो भैंस ली है भाई साहब ने, लीजिए सामने लीजिए. ये देखिए जी, बहुत ये भैंस तो 17-18 लीटर दूध आराम से निकालेगी, अभी 2-3 दिन में बच्चा देने वाली है. ये बीच वाली कितने का लिया आपने? गैबिन पाड़ी है 65,000 रुपए का ना? 5 महीने की गैबिन है. 5 महीने की गैबिन है. 65,000 रुपए की पाड़ी ली है जी. और ये आपने लिया ना? हाँ, ये बाबा जी ने लिया जी. अभी ये भी ब्याने वाली है. बांध दो वापिस ले आओ. ले लो, वापिस बांध दो. आगे से जो फेस वैल्यू दिखा रहे हैं भैंसों को. और अभी सभी भैंसों का जो दूध है वो निकला हुआ है, क्योंकि सामने गाड़ी आप देख पा रहे हैं आई हुई है. अभी थोड़ी देर में गाड़ी है वो लोडिंग करेंगे. तो हर तरह की भैंस है, देखिए तीसरे ब्यांत की भैंस है जी. ये भैंस लिया है 1,10,000 रुपये की. ये लिया है 1,08,000 रुपये का. ये लिया जी 1,17,000 रुपये की. ये ली है 1,22,000 रुपये की. ये लिए जी 95,000 रुपये की. और ये वाली ली है जी 1,23,000 रुपये की. अभी 16-17 लीटर दूध चालू है. ये ब्याने वाली है ग्याबिन, बच्चा देने वाली 1,08,000 रुपये की. और ये वाली ली है जी 1,07,500 की. ये ली है 1,14,000 रुपये की. इसमें 16-17 लीटर दूध अभी तैयार है जी. तो राज डेयरी फार्म गांव मिंगनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में. तो ये देखें जो गद्दे भी लेके जा रहे हैं, 200 मैट खरीदे हैं भाइयों ने. तो गाड़ियों में लोडिंग कर रहे हैं. एक तो ये गाड़ी आ गई है, एक वो सामने खड़ी है गाड़ी, दो और एक ये.
तीन गाड़ी, तो तीन जो ही गाड़ियाँ आ चुकी है, तो अभी थोड़ी देर में लोडिंग करेंगे। दो गाड़ी तो जाएगी इनकी नांदेड़ में, एक ये भाई साहब पहुँचे हैं महाराष्ट्र। भाई साहब आपकी जगह कौन सी है? यवतमाल जिला। यवतमाल कटड़ी, कटड़ियाँ ली है ना आपने? तो ये भाई साहब यवतमाल से पहुँचे अपने पास में, इन्होंने ऑनलाइन खरीदी थी कटड़ियाँ, वो भी दिखाएंगे आप भाइयों को। तो देख लें राज डेयरी फार्म पूल कचा कचा भरा है जी। तो ये ली है 95,000 रुपये की भैंस है जी, ये देखे। और ये लिए जी 1,12,000 रुपये की पाड़ी है, और ये लिए जी 85,000 रुपये की, ये ली है 1,15,000 रुपये की, और ये लिए जी 1,03,000 रुपये का। थोड़ा ध्यान नहीं रहता जी कभी भैंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भैंस है। ये ली है 59,000 रुपये की, 5 महीने की गाबिन है। तो हर तरह की जो भैंसें आप देख पा रहे हैं, और अंदर और दिखाता हूँ जी मैं, फुल खचा खच भरा है जी। जो ये नांदेड़ जा रही है मुकरामाबाद, ये देखिए अंदर जो भैंसें बंधी हुई है, बहुत ज़बरदस्त भैंस है। कोई नहीं कोई नहीं, तो देखिए जितने भी भाई हमारे साथ में जुड़े हैं जी, अच्छी भैंस लेनी हो, गाय लेनी हो किसी भाई साहब को, और कटड़ियाँ लेनी हो, पीछे आप देख पा रहे हैं ये कटड़ियाँ, ये जा रही है अपनी यवतमाल से। भाई साहब जो बता कराई उन्होंने ली है 11 कटड़ियाँ एक बुल। तो ठीक है जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताने की कोशिश आप ज़रूर करें, और जितने भाई हमारी छोटी सी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इन भाइयों से भी छोटी सी मुलाकात कराई। और महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, कराड़, पुणा, नासिक, नांदेड़, मुकरामाबाद, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई तालुका नहीं बची होगी जहाँ पे राज डेयरी फार्म से भैंसें नहीं गई होगी। तो ये देखें जी मैट जो है लोडिंग कर रहे हैं। सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।